गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने लास्ट में लिविस थ्योरी का दो ड्रॉबैक्स पढ़ा था। एक था हाइपोवैलेंट जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और दूसरा है हाइपरवैलेंट जिसमें ऑक्टेट एक्सपेंडेड है। जो इनका तीसरा डिमेरिट था वो क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। तीसरा इनका था एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। लिविस का ये कहना था कि अगर कोई कंपाउंड बनता है, जब वो कंपाउंड बनेगा तो इनका ये बोलना था कि जो अगर कंपाउंड बन रहा है तो उसका ऑक्टेट पूरा होगा। अगर ऑक्टेट पूरा होगा मतलब उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो इवन इलेक्ट्रॉन कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी एग्जिस्ट किए जिनके फॉर्मेशन के बाद उनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये लिविस ने जो कहा वो फेल हो गया। तो ये तीसरा फेल था। जैसे कंपाउंड होता है NO2, अब अगर इसमें हम बात करें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। नाइट्रोजन में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो दो ऑक्सीजन में 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16 + 7 = 23। ऑड है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट किया तो लिविस थ्योरी फेल हो गए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। NO इस कंपाउंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 + 7 = 15 इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑड है, ये भी एग्जिस्ट करता है। तो ये तीसरा फेलियर था किसका, लिविस थ्योरी का। जो इनका नेक्स्ट फेलियर था चौथा वाला वो क्या था, जो इनका फोर्थ फेलियर था वो ये था, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड ऑफ ज़ेनॉन। लिविस थ्योरी का ये बोलना था कि जितने भी हमारे इनर्ट गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब कंपाउंड नहीं बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। कोई भी एलिमेंट कंपाउंड क्यों बनाता है, ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। लेकिन ग्रुप 18 जो आपके ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनके ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है, तो वो कंपाउंड नहीं बनाएंगे, ऐसा लिविस ने बताया। लेकिन हमने क्या देखा कि ज़ेनॉन एक ऐसा इनर्ट गैस है जो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे XeO3, XeO2, F2, XeO F4, XeF2 एंड सो ऑन। तो लिविस थ्योरी यहाँ भी आके फेल हो चुके थे। अगला ये इनका क्या था ड्रॉबैक्स, कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन ए स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। 8 कुड नॉट एक्सप्लेन ए स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, ये स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो इसको किसने एक्सप्लेन किया था, इसको हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम एक्सप्लेन करते, इन्होंने फेल हो गया था। क्लियर है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम, जब NH3 का बात आया था तो लिविस भाई ने कुछ ऐसे अरेंज कर दिया था, एच 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 और एक यहाँ पर लोन पेयर, इस तरह से इन्होंने अरेंज किया था, जो गलत है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली NH3 का जो शेप होता है वो होता है पिरामिडल,
और वो इस तरह से होता है। लेकिन लेविस डॉट ने इस तरह ड्रॉ किया था, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ये इसका नेक्स्ट फेल था। तो एक्चुअली ये वाला स्ट्रक्चर किसने दिया था? दिस वॉज गिवेन बाई वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उन्होंने इसको दिया था। अगला जो हम पॉइंट बोल रहे हैं कि लेविस थ्योरी कुड नॉट टेल एनीथिंग, लेविस थ्योरी कुड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्टेबिलिटी। इसके बारे में लेविस थ्योरी ने कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया था कि हमारा बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में या बॉन्ड स्टेबिलिटी के बारे में। तो ये सब हमारे कुछ ड्रॉबैक्स थे, किन के? लेविस के। क्लियर है? चलिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रेजोनेंस इन केमिकल बॉन्डिंग। हम ऑर्गेनिक में ही पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ना है रेजोनेंस। अब पहले हम ये बात करते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है? चलिए पहले हम इसमें कुछ थ्योरीज लिखते हैं। थ्योरी क्या था इसका? फॉर सर्टेन कंपाउंड, फॉर सर्टेन कंपाउंड्स इट इज नॉट पॉसिबल, फॉर सर्टेन कंपाउंड इट इज नॉट पॉसिबल to explain all of their, to explain all of their properties. For certain compounds, it is not possible to explain all of the properties with the help of a single structure, with the help of a single structure. So more than one structures are required. So more than one structures are required to explain. So more than one structures are required to explain all the properties of the molecule. All the properties of the molecule are required to explain all the properties of the molecule. And actual structure is in between the structure of all, between the structure of all. अब देखिए इनका क्या कहना था कि अगर कोई कंपाउंड का आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर से इम्पॉसिबल है। हमें उसका एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लगता है उनके प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन जब आप एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड का बनाते हो तो जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, वो जो आपने बहुत सारा बनाया स्ट्रक्चर, वहीं से एक्चुअल स्ट्रक्चर डिराइव होती है। कैसे? अभी हम बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि दीज स्ट्रक्चर्स
जो आप एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, कि दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज, दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड, इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हमें रेजोनेंस हाइब्रिड कब बनता है, जब एक्चुअल बनेगा, मोर देन वन को क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कभी कभी इसको कैनोनिकल भी हम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बेंजीन का, जैसे हमारा एक ये कंपाउंड है, तो हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, या दूसरा अगर हम बात करते हैं कि मैं इसको ऐसे भी अरेंज कर सकता हूँ, दोनों सेम हैं, दोनों बेंजीन है, लेकिन अब क्या देख रहे हो कि एक कंपाउंड का दो अलग अलग स्ट्रक्चर आ गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हम क्या बोलेंगे, कैनोनिकल। जब हम इन दोनों का हाइब्रिड लेंगे तो हमारा एक्चुअल बनेगा। मतलब हाइब्रिड हम क्या लेंगे, देखो कैसे हाइब्रिड लेते हैं। आप पहले कंपाउंड का नंबरिंग करो, जैसे मान लो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ भी नंबरिंग सेम होगा क्योंकि कंपाउंड सेम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप क्या देख रहे हो कि 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा दिया, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी हम दिखा दिया, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो हमने यहाँ दिखा दिया, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है हमने यहाँ दिखा दिया, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है हमने यहाँ दिखा दिया, 6 और 1 के बीच में डबल बॉन्ड है हमने यहाँ दिखा दिया, नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो हमारा कंपाउंड बना इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल, क्या बोलेंगे इसको हम, यही हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब क्या देख रहे हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड इन दोनों से ही डिराइव हुआ है, देख रहे हो ना। तो ये होता है हमारा व्हाट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। एक और क्वेश्चन लेके हम समझते हैं, जैसे मान लो हमें दिया है CO3-2, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, या अब आप डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दो तो आप ऐसे बना दोगे, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, या आप इसको ऐसे भी बना दोगे, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस सिंगल बॉन्ड ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि एक बार आपने डबल बॉन्ड यहाँ रखा, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ रखा, एक बार डबल बॉन्ड, या अब तो कोई पोजीशन, अब तो कोई भी आपका पोजीशन नहीं है,
तो इन सब के सबको क्या बोलते हैं? इन सब की सभी को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन सभी को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसको हम कैनोनिकल भी बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। दोनों बात बराबर है। अब हम इन सब से एक्चुअल स्ट्रक्चर डिराइव करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कार्बन के पहले तीनों जगह ओ लिख देंगे, ओ ओ ओ। अब पहला कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि मेरा पाई बॉन्ड यहाँ भी मूव कर रहा है, दूसरा कंपाउंड में हमारा पाई बॉन्ड यहाँ है, तीसरे कंपाउंड में हमारा पाई बॉन्ड यहाँ है, और माइनस चार्ज दो है। तो अब दो माइनस चार्ज तीनों ऑक्सीजन पर घूम रहा है। देख लो, पहला कंपाउंड में इस दो पर है, दूसरा कंपाउंड में इस पर है, तीसरा में इस पर है, मतलब दो माइनस तीन पर घूम रहा है। तो क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। समझ में आया? अब ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर ऑब्टेंड हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल स्ट्रक्चर, या हम इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है आपका? चलिए अब हम बात करते हैं, हम समझ में आ गया क्या होता। अब हम बात करते हैं कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, कैसे हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा एक बेंजीन दिया हुआ है, नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। अब इसका अगर हम दूसरा बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब जब कंपाउंड सेम है तो नंबरिंग भी तो सेम ही होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, टोटल टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑल मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑल मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। जब हमें बॉन्ड ऑर्डर की बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, आप कोई भी दो नंबर को सेलेक्ट करो सब में सेम। मान लो हमने सेलेक्ट कर लिया 3, 4, यहाँ भी, तो यहाँ भी हमें 3, 4 ही सेलेक्ट करना है। तो क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑल मॉलिक्यूल्स, तो इसमें एक दो और इसमें एक ही बॉन्ड है, तो तीन बॉन्ड है। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये वाला हमारा पहला, ये वाला दूसरा, तो 3/2 = 1.5। तो ये हमारा बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1.5। क्या हो गया, 1.5।
इस तरह के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं, हम करवाएंगे और ज्यादा क्वेश्चंस। क्लियर है? चलो अगला हम बात करते हैं। रूल्स फॉर कंसीडरिंग एस्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या क्या रूल्स हैं? सबसे पहला पॉइंट, न्यूट्रल स्ट्रक्चर। न्यूट्रल मतलब जिस पर कोई चार्ज ना हो, जैसे CO2, H2O, किसी पर चार्ज ना हो। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज मोर स्टेबल दैन चार्ज स्ट्रक्चर। पहला। दूसरा पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर्स हैविंग मोर नंबर ऑफ बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल। अगर हम तीसरा कंडीशन की बात करें तो क्या लिखा कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम विल बी मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल मोर विल बी बॉन्ड एनर्जी कॉमा मोर विल बी स्टेबिलिटी। And a smaller will be bond length। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/बॉन्ड लेंथ। यानी अगर हम सिंगल में बात करें तो अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड का, तो सिंगल बॉन्ड में तो केवल एक ही बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं डबल बॉन्ड का, तो डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड रहेगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड का,
तो ट्रिपल बॉन्ड में तीन बॉन्ड रहेगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। अब मान लो अगर यही हमें बॉन्ड ऑर्डर दिया हुआ है 1, 2, 3, तो जितना बॉन्ड ऑर्डर है बॉन्ड एनर्जी इसके बराबर, लेकिन बॉन्ड लेंथ उल्टा हो जाएगा। अब देखो याद करने के एक सिंपल ट्रिक है, मान लीजिए ये एक इंसान खड़ा है, पूरा अपना हाथ को स्ट्रेच कर दिया, ये एक इंसान खड़ा है इसने अपने हाथ को थोड़ा बेंड कर दिया, और ये एक इंसान खड़ा है इसने अपने हाथ को थोड़ा और बेंड किया, तो अब क्या देख रहे हो, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। जब हाथ बेंड किया तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम है, जब जब और हाथ बॉन्ड बेंड किया तो